स्नाइपर वन का एक बहुत ही फेमस कोट है, और स्नाइपर्स राइफल स्पीक्स व्हेन वर्ड्स फेल। अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है वो आप गूगल कर लेना, लेकिन स्नाइपर राइफल्स को लेकर एक बात तो कंफर्म है कि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये वन ऑफ द डेडलीस्ट वेपन में से एक है। और एक स्नाइपर राइफल किस किस तरह के कमाल कर सकती है तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है उस राइफल को चलाने वाले के ऊपर। और 1947 से लेकर अभी तक इंडियन आर्म फोर्सेस में भी कई अलग अलग तरह की स्नाइपर राइफल्स इस्तेमाल की गई हैं, और वो कौन कौन सी राइफल्स थी तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। बाकी आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वर्तमान समय में इस्तेमाल हो रही इंडियन आर्म फोर्सेस की टॉप 5 स्नाइपर राइफल्स के बारे में। और इस लिस्ट में हमने अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर इन 5 राइफल्स को शामिल किया है, और वो क्राइटेरिया है रेंज, कैलिबर, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और एडेप्टिबिलिटी। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पबजी BGMI खेलते समय अधिकतर लोग यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उन्हें AWM मिल जाए, क्योंकि उसकी रेंज, बुलेट स्पीड, डैमेज और रिकॉइल सब कुछ सही तरह से मिलता है। वैसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आप इसे जो भी एक्शन गेम्स खेलते हैं तो उनकी फेवरेट स्नाइपर राइफल कौन सी है। और बाकी हम बात करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की टॉप 5 स्नाइपर राइफल्स के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो इस लिस्ट का पहला नाम है बैरेट M95, जो कि एक US ओरिजिन की 0.50 कैलिबर की बोल्ट एक्शन राइफल है। इस राइफल को दुनिया भर की मिलिट्रीज ऑपरेट करती हैं, लेकिन इसे स्पेशल फोर्सेस के मिशंस के लिए काफी खास माना जाता है। इस राइफल की मदद से अब 1800 मीटर्स की दूरी तक इफेक्टिव तरीके से अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकते हैं, और ये एक्चुअल में एक बुलपप एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल की कैटेगरी में आती है। और इस राइफल को काफी इफेक्टिव तरीके से दुश्मन ट्रूप्स, दुश्मन के लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स, दुश्मन के मटेरियल टारगेट्स, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके मिलिट्री इक्विपमेंट, तो इन सभी को एक्सट्रीम रेंजेस से हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में जो बैरेट M95 स्नाइपर राइफल्स हैं उन्हें बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में इस्तेमाल किया जाता है, और ये मुख्य रूप से इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के ट्रूप्स के पास हैं। बाकी इसकी एक खास बात यह भी है कि लॉन्ग रेंज पर टारगेट्स को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हिट करने के लिए इस राइफल को बैलिस्टिक कंप्यूटर्स और थर्मल इमेजिंग स्कोप के साथ इक्विप किया जा सकता है। और इसका डिजाइन बुलपप है, तो इस वजह से एक बड़े 0.50 BMG कैलिबर की राइफल होने के बावजूद भी ये काफी कॉम्पैक्ट है, और एक बोल्ट एक्शन राइफल होने के चलते शॉट के दौरान कम मूविंग पार्ट्स होने की वजह से इसकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। और अगर कहा जाए तो सही मायनों में इस राइफल से अब पट्ट से हेडशॉट दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे इस लिस्ट के अगले नाम की तरफ, जो कि है साको TRG-42, जो कि फिनलैंड ओरिजिन की एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है, और इसे LOC के साथ तैनात भारत की इन्फेंट्री यूनिट्स इस्तेमाल करती हैं। इसमें 0.338 लैपवा मैग्नम कैलिबर का राउंड इस्तेमाल होता है, और आप 1500 मीटर्स की दूरी तक इस राइफल से अपने टारगेट को इफेक्टिव तरीके से हिट कर सकते हैं। और लॉन्ग रेंज में एंगेज करते समय कमाल की सटीकता देती है, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल करते समय, और इसका इस्तेमाल इंडियन स्पेशल फोर्सेस भी करती है। बाकी इस राइफल के फीचर्स में बैटरी रेंज और फायर पावर के साथ टेलीस्कोपिक साइट्स, नाइट विजन और थर्मल साइट्स एडेप्टिबिलिटी, तो इस तरह के फीचर्स इंक्लूड हैं। हालांकि ये राइफल्स आमतौर पर एस्टिमेटेड और बैंडर PM2 टेलीस्कोपिक साइट से इक्विप रहती हैं। बाकी इन राइफल्स में रिकॉयल, जंप और फ्लैश को रिड्यूस करने के लिए मजल ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और जो साको TRG के स्नाइपर राइफल्स हैं वो अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ अपने एर्गोनॉमिक्स के लिए भी जानी जाती है, जो कि इसे वर्तमान समय में उपलब्ध वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल और प्रिसाइज राइफल्स भी बनाती है। और इसका एडजस्टेबल डिजाइन और रिलायबल परफॉर्मेंस लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट्स के लिए हार्श कंडीशंस में भी इसे एक प्रिफर्ड चॉइस बनाते हैं, खासतौर पर LOC के साथ के टेरेन। इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम है द लेजेंडरी ड्रैगनोव SVD, जो कि एक रशियन ओरिजिन की डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल है, और आप इसे इंडियन आर्म फोर्सेज द्वारा वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाने वाली एक स्टैंडर्ड स्नाइपर राइफल भी कह सकते हैं। इस राइफल में 7.62x54mm का राउंड इस्तेमाल होता है, और अभी वर्तमान समय में इसकी 6000 से अधिक यूनिट्स इंडियन आर्म फोर्सेज की सर्विस में एक्टिव है। और जबकि इंडियन आर्म फोर्सेज की जो ड्रैगनोव राइफल्स हैं तो उन्हें स्वदेशी किट के साथ अपग्रेड भी किया जा रहा है। बाकी इस राइफल की जो मारक क्षमता है यानी कि इफेक्टिव फायरिंग रेंज, तो वो 800 मीटर्स तक है, और अपनी रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस के कारण इस राइफल ने अपने आप को कई अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स में साबित करके दिखाया है। और लेजेंडरी AK-47 की तरह ही ड्रैगनोव SVD भी हार्श कंडीशंस में एक रिलायबल और ड्यूरेबल वेपन माना जाता है। बाकी नॉर्मली इसमें 4x24 PSO-1 स्कोप को फिट किया जाता है, लेकिन इसे NSPU-3 नाइट साइट के साथ भी इक्विप किया जा सकता है। और इसमें और भी ऐसी कई सारी खूबियां हैं जो कि इसे अभी भी इंडियन आर्म फोर्सेस की इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए एक रिलायबल चॉइस बनाते हैं। और ड्रैगनोव की खूबियां कौन कौन सी हैं तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले नाम की तरफ, जो कि है IMI गलील।
यह एक इसराइली ओरिजिन की स्नाइपर राइफल है जो कि स्पेशल फोर्सेज द्वारा मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है और इसमें 7.62x51mm नेटो राउंड इस्तेमाल होता है। और वैसे अगर टेक्निकली कैलिबर के हिसाब से देखा जाए तो यह एक्चुअल में एक बैटल राइफल है, लेकिन इसे स्नाइपिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि 7.62mm के राउंड के साथ इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 800 मीटर तक है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि एक स्नाइपर राइफल के तौर पर इसे लॉन्ग रेंज के एंगेजमेंट्स और एक बैटल राइफल के तौर पर क्लोज रेंज में एंगेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ये IMI गलील है तो ये अपनी रोबस्टनेस के लिए खास तौर पर जानी जाती है और डेजर्ट कंडीशंस में इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी कमाल की राइफल है। और इसमें 5.56x45mm नेटो राउंड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ मिशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें अलग अलग स्कोप्स को फिट करने के फीचर भी मिलता है, जिस वजह से ये स्पेशल फोर्सेस के लिए भी एक स्पेशल टूल बन जाती है। और अलग अलग कॉम्बैट सिनेरियोज में इसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इस राइफल में आपको फ्लिप अप ट्रिटियम नाइट साइट्स और हुडेड फ्रंट पोस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। और भारत में जो IMI गलील है इसे मुख्य रूप से पैरा स्पेशल फोर्सेस के स्नाइपर्स खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसलिए इसका पांचवा और आखिरी नाम हैकलर एंड कोच की PSG-1, जो कि जर्मन ओरिजिन की एक सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल है। इसमें 7.62x51mm का नेटो राउंड इस्तेमाल होता है और इसके भी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 800 मीटर तक है। और भारत में इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मार्कोस, इंडियन आर्मी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एलीट जॉइंट काउंटर टेररिज्म यूनिट ऑक्टोपस और ग्रे हाउंड्स इस्तेमाल करती हैं। और यह राइफल अपनी एक्सेप्शनल एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है और इसे हॉस्टेज रेस्क्यू और काउंटर टेररिज्म जैसे ऑपरेशंस में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट सेमी ऑटोमेटिक राइफल में भी आती है, जिसे प्रिसाइज शूटिंग को ही ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इस राइफल की खास बात यह भी है कि इसमें आपको बिल्ट इन बुलेट ड्रॉप कॉम्पेंसेशन वाला फीचर भी मिलता है। आपको बता दें कि ये फायरआर्म्स के ऑप्टिक्स में मिलने वाला एक ऐसा फीचर हुआ जो कि एक डिस्टेंस तक बुलेट की डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री को ध्यान में रखते हुए इसका जो एमिंग पॉइंट है उसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है, जिसे आप 100 से 600 मीटर के बीच में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें M16 राइफल्स के फॉरवर्ड असिस्ट की तरह ही लो नॉइज बोल्ट क्लोजिंग डिवाइस भी मिलता है। और इस PSG-1 का जो मॉडर्न वर्जन है जो कि जाना जाता है PSG-1A-1 के नाम से, तो उसे श्मिट एंड बेंडर 3 के 12x50mm स्कोप से भी फिट किया गया है और इसमें नाइट विजन को भी अपग्रेड किया गया। तो ये थे इंडियन आर्म फोर्सेस की टॉप 5 स्नाइपर राइफल्स। और स्नाइपर राइफल्स को लेकर आप कह सकते हैं कि इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो केवल इस चीज से नहीं मापी जाती कि इससे आपने कितने किल किए हैं, बल्कि वो इस चीज से भी मापी जाती है कि दुश्मन की फोर्सेस पर इसका कितना बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है जो कि हम हमेशा कहते हैं कि युद्ध कभी भी हथियार नहीं जीतता है, बल्कि उस हथियार को चलाने वाला जीतता है। तो इसलिए अगर हथियार को चलाने वाला ही सबसे बेस्ट है तो फिर वो किसी भी हथियार को सबसे डेडलीस्ट हथियार बना सकता है। बाकी इस वीडियो को एंड करने से पहले बिग शाउट आउट टू एम पाटिल, जिनकी मदद के साथ ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है। बाकी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि इन 5 में से कौन सी राइफल आपको सबसे बेस्ट लगी है। और अगर आपको तलाश है स्नाइपर से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज की तो squadron.in पे जाके हमारे स्मार्ट पोलो टी शर्ट वाले डिज़ाइन को चेकआउट जरूर करें जो कि इंस्पायर्ड है मार्क्समैन से। और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। और आप इसे जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो वे डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। और ये अपनी तरह की पहली ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेडिकेटेड है केवल डिफेंस सेक्टर को, जिसमें आपको डिफेंस रिलेटेड कई अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर खास वीडियोस, ऑडियो बुक्स, ई बुक्स, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलती है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।